In this video, we will learn how to find conjugate of a complex number and some algebraic operation on complex numbers. अभी तक हमने iota से introduction लिया था, iota क्या होता है और complex number को कैसे define करते हैं वो समझे थे. और from beginning हम ये आपको सलाह दे रहे थे कि complex number को just हम ऑर्डर पर ए बी ही मुख्य है उस रूप में उसे लें, और ए प्लस आई बी के रूप में जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ये जस्ट प्लस का जो सिंबल है वो एज यूजुअल जो अभी तक हमने प्लस समझा है एडिशन यानी जोड़ने की बात वो वाला प्लस नहीं है, है ना. बट वैसा लेने से जो कुछ अलग ऑपरेशन है जैसा कि देखेंगे हम आगे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, व्यवहारिक लगता है, इसलिए प्लस से उसको डिस्टिंग्यूस करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को. बाकी हम यूँ समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर भी क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस आई बी वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है. इन सारी बातों को हमने देखा है. अब कंजुगेट छोटी सी बात है, पहले जरा इसको देख लें. कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी का लें तो होता क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को इस तरह से सिंबलाइज करते हैं. जैसे जेड का कंजुगेट लिखना है तो जेड बार पढ़ेंगे इसे, यानी जेड के ऊपर माथे पर कह लीजिए एक लकीर, या अगर पूरा पूरा ए प्लस आई बी लिखेंगे तो यूं डालेंगे पूरा ए प्लस आई बी पूरे ऊपर में ये बार, और ये डिफाइन होता है ए माइनस आई बी. मतलब सिंपली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं. समझ सकते हैं ए प्लस आई बी में अगर रियल पार्ट ए है इमेजिनरी पार्ट बी है तो ए माइनस आई बी में हम समझ सकते हैं कि रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है. यानी ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर कहें तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का जो कंजुगेट होगा दिस विल बी ऑर्डर्ड पेयर ए माइनस बी, यू है ना. तो कंजुगेट आई थिंक ये सिंपल है. कंजुगेट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, रियल पार्ट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा एज एज इन जेड, और इमेजिनरी पार्ट जो कंजुगेट का होगा वह बिना कंजुगेट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव हो जाएगा. आप समझ सकते हैं कि अभी जैसे कुछ बात अगर करें कि अगर हम जेड का कंजुगेट करते हैं और वो जेड हो जाता है तो दिस इंप्लाय जेड इज रियल. जेड बार इक्वल्स जेड अगर होता है इसका मतलब जेड क्या है, रियल है. समझ सकते हैं कोई रियल नंबर होगा तभी तो उसका कंजुगेट करेंगे और फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होगा. फाइव का कंजुगेट फाइव होगा, थ्री का थ्री होगा. बट अगर वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट कभी उसके बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो नहीं है उसके साइन को नेगेटिव करेंगे तो जाहिर है कि वो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल नहीं होगा. इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से वैसे ही अगर जेड बार इक्वल्स माइनस जेड करते हैं तो दिस इंप्लाय जेड इज प्योरली इमेजिनरी. इन रिटर्न भी ये इंप्लाय करेगा, यानी जेड अगर रियल है तो जेड बार विल बी जेड, और जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड बार विल बी माइनस जेड. समझ सकते हो, उधर मैंने समझाया फाइव का कंजुगेट क्या होगा, फाइव होगा. माइनस थ्री का कंजुगेट क्या होगा, माइनस थ्री होगा. इसी तरह से अगर बात करें हम फोर आई का कंजुगेट क्या होगा, फोर आई का कंजुगेट माइनस फोर आई होगा. अगर हम जेड को फोर आई लेते हैं तो जेड बार जो है वो माइनस फोर आई है, इट मीन्स जेड बार क्या हुआ, जेड का निगेटिव हुआ ना. अब फोर आई क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, यानी प्योरली इमेजिनरी रहेगा तो उसका कंजुगेशन करेंगे तो जस्ट उसका नेगेटिव हो जाएगा. हम समझ सकते हैं अगर जेड में जेड बार को जोड़े जेड प्लस जेड बार तो ये टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, है ना. ए प्लस आई बी अगर जेड है तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आई बी. अगर जोड़ेंगे तो ये टू ए होगा. ऐसे भी छोड़िए इसको, जो एडिशन तो भी बताया नहीं है, है ना. प्रॉपर्टी कंजुगेट का देखेंगे तो वहां और बात करेंगे. ये दो चीज समझ रहे हैं ना, ये दो को भी समझें. हाँ, तो ये कंजुगेशन का काम होता है. अब थ्री प्लस फोर आएगा कंजुगेट,
तो 3 प्लस 4 आई का कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4 आई। क्लियर है? मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना जब कंजुगेशन का काम करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बाकी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंपोनेंट है रियल पार्ट वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्टा हो जाएगा। इसके बाद सम अलजेब्रिक ऑपरेशन में देखिए बेसिक बात क्या है कि जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन हम क्या लेते हैं, तो जनरली ये जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, वही अलजेब्रिक ऑपरेशन कहलाता है ना। तो ये चारों ऑपरेशन अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑपरेट करेंगे तो ये कैसे ऑपरेट होगा ये चीज समझेंगे इसमें। अब इसमें देखिए होता क्या है, अभी हम जेड वन इक्वल्स ए वन प्लस आई बी वन ले लेते हैं, जेड टू इक्वल्स ए टू प्लस आई बी टू ले लेते हैं, जेड थ्री इक्वल्स ए थ्री प्लस आई बी थ्री कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको लैंग्वेज लिखने में सुविधा होगी। इसमें पहला एडिशन कर लेते हैं, वेरी सिंपल ऑपरेशन है ये कि अगर हम जेड वन में जेड टू को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, जेड वन क्या है जेड टू क्या है देख रहे हैं, बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं, जेड वन जेड टू आप समझिए। तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट ए वन प्लस ए टू होता है और इमेजिनरी पार्ट आई बी वन प्लस बी टू होता है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो जुड़ जाता है, उसके एडिशन का रियल पार्ट देता है और दोनों का इमेजिनरी पार्ट ऐड होने के बाद जो बनता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट देता है, यही एडिशन होता है। अब देखिए यहां मैं आपको समझा रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर इस तरह से इसको समझाते आपको, तो ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन लिखते प्लस ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू लिखते, तो इसे हमें अलग से समझना पड़ता कि अच्छा अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की बात करें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट प्लेस को जोड़ेंगे ए वन प्लस ए टू और यहां हो जाएगा बी वन प्लस बी टू। यानी एक रूल कहिए या एक अलग से बात हमें समझना पड़ेगा, कारण कि ऑर्डर पेयर तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, रिलेशन में भी पढ़ा है, तो वहां पर कोई ऑर्डर्ड पेयर दो ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन का ऑपरेशन कोई तो ऐसा नहीं था, वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है सिर्फ वैसे दो ऑर्डर्ड पेयर को जोड़ने की बात करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं तो ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्लस जैसा लिखते हैं इसे, जबकि बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि यह जो ए वन प्लस आई बी वन हमने लिखा है यह यूजुअल प्लस नहीं है, लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर इसको यूजुअल प्लस ही समझ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक जो अलजेब्रिक कुछ एडिशन कर लेता है बच्चा, वैसे स्टूडेंट से भी अगर बात करेंगे इसे कैसे जोड़ोगे तो वो दिमाग लगा सकता है, ही डोंट नो व्हाट इज आई व्हाट इज दिस प्लस, ये प्लस कोई यूजुअल प्लस समझ रहा है, आई कोई नंबर है जैसे एक्स वाई है, एम है, एन है, इस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है, तो वो इसे आसानी से जोड़ सकता है कि ये ए वन प्लस ए टू होगा और आई दोनों में सेम है, वो प्रेम से कॉमन ले लेगा इसको, कहीं कोई लफड़ा नहीं, ऐसे लिख देगा इसको। अब सोचिए कि ये जबकि यूजुअल प्लस नहीं है, लेकिन हमने अगर यूजुअल प्लस यानी प्लस सिंबल से इसको अलग किया है तो एडिशन हमारा कितना सिंपल हो गया, ऐसे एडिशन हमें ऐसे समझना पड़ता है ना। तो प्लस लिखने का जो आपको बताया था ना हमने कि ये लॉजिक क्या है जो बाद में देखेंगे कि इससे हमें फायदा होता है, इसी के चलते ए प्लस आई बी फॉर्म में जनरली लिखते हैं, लेकिन बार बार हम कहेंगे कि अपने आप को कनेक्ट इससे भी रखना कि ओरिजिनली कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है, सुविधा के लिए कुछ ऑपरेशन में ये ज्यादा अप्लीकेबल हो, ज्यादा दिमाग को लोड ना पड़े, ज्यादा कन्वीनियंट लगे ये हमें, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन यहां पर जबकि ये प्लस क्या है, यूजुअल प्लस है ये, जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, ये दोनों देख ही रहे हैं, ये कहता है जेड वन माइनस जेड टू अगर यहां माइनस कर देंगे तो ए वन में ए टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी वन में बी टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जेड वन माइनस जेड टू जो है ये हो जाएगा रियल पार्ट इसका ए वन माइनस ए टू और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो बी वन माइनस बी टू, और इमेजिनरी पार्ट को ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
तो आई के साथ लिखते हैं, यहां पर आई लगा दिए, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, जेड वन इंटू जेड टू इक्वल्स, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम तो इसका रियल पार्ट क्या होता है, ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, ये हो गया इसका रियल पार्ट। और इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका होता है ए टू बी वन, आई के साथ क्या लिखेंगे, ए टू बी वन और प्लस ए वन बी टू, ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसे कहें और ए प्लस आई बी के फॉर्म में कहें, दोनों में क्या मतलब हमें सुविधाजनक होगा, क्या फायदा होता है प्लस माइनस, ये देखते हैं। यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन है और इसमें गुना करते ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू को, समझिए इस तरह से हमें समझना पड़ता है, इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होगा, तो यहां क्या कहे, ए वन ए टू दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, देख रहे हैं ये माइनस है ना। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट गुना इसका रियल पार्ट प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट गुना इसका रियल पार्ट, समझ रहे हैं, याद रखना पड़ता है। लेकिन अब अगर इसको ए प्लस आई बी और ए इसको ए वन प्लस आई बी वन कह लेते हैं, इसे ए टू प्लस आई बी टू कह लेते हैं, ऑल दो दिस प्लस इज नॉट यूजुअल प्लस, बट अगर हम यूजुअल प्लस जैसे इसको ट्रीट करेंगे तो आप समझ सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए वन ए टू, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, चलिए लगातार करते हैं, ये आई ए टू बी वन, फिर इधर से कर लेते हैं प्लस आई ए वन बी टू और प्लस आई स्क्वायर बी वन बी टू, ये यूजुअल प्लस नहीं लेकिन हमें यूजुअल प्लस जैसा ट्रीट किया है। अब सोचिए कि अगर पता है फिर उसी बच्चे के पास चलें जिससे हमने जोड़ का काम करवाया था और अनजाने में वो सही कर दिया यूजुअल प्लस समझकर, वैसे ये वही बच्चा ये काम भी कर देगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है अगर उसे बता दिया जाए तो यहां पर माइनस कर देगा, इसको माइनस वन है तो ये माइनस बी वन बी टू हो जाएगा, तो फिर ए वन ए टू और माइनस बी वन बी टू एक साथ भी कर लेगा, चूंकि आई से फ्री है तो इसको एक साथ कर लेगा थोड़ा अरेंज करके, और ये दोनों से आई कॉमन ले लेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए टू बी वन प्लस ए वन बी टू, यानी ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में हमें याद भी नहीं रखना है कि ऐसे ऐसे होता है, बस सिंपली गुना जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, ए वन ए टू रियल पार्ट हो गया और एक रियल पार्ट और भी इसमें आएगा, क्या कौन साइन के साथ, आई स्क्वायर बी वन बी टू मतलब माइनस बी वन बी टू, बाकी इसका इमेजिनरी पार्ट इसका रियल पार्ट लेंगे तब तो रियल नहीं बनाएगा इमेजिनरी बनाएगा, और फिर इसका रियल इसका इमेजिनरी लेंगे तो ये भी इमेजिनरी बनाएगा। तो इस तरह से ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू रियल पार्ट कर लिए और ए टू बी वन प्लस ए वन बी टू ये इमेजिनरी पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, देख रहे हैं आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ये सारा का सारा अभी क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में कर ही सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम ला सकते हैं उसको थोड़ा सा अरेंज करके सिंप्लीफाई करके जैसे, है ना। अब डिवीजन, डिवीजन में देखिए क्या होगा, जेड वन बाई जेड टू, जाहिर है कब डिफाइन होगा, जब जेड टू जीरो नहीं होगा, जेड टू अगर जीरो होगा तब फिर डिफाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि रियल नंबर में तो डिफाइन नहीं होता है और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो शायद यहाँ डिफाइन हो जाए, डिफाइन जीरो से डिवीजन कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें होना नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं जे टू जीरो नहीं होगा, इट मीन्स जे टू का वैल्यू ए टू प्लस आई बी टू है, तो जे टू जीरो कब होगा, जब साइमल्टेनियसली ए टू एंड बी टू बोथ आर जीरो। और अगर हम कह रहे हैं जे टू जीरो नहीं है, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ ए टू एंड बी टू इज नॉट जीरो, दोनों में कम से कम कोई ये जीरो नहीं होगा, तब ये जीरो नहीं होगा और तब जीरो बाई जेड टू डिफाइन होगा। अब देखिए ये डिफाइन कैसे होगा, तो सिंपली सोचिए इसमें भी रट्टा नहीं मारना है, डिफाइन कैसे होगा, तो ए प्लस आई बी
वाले फॉर्म से ही स्टार्ट करें, ए वन प्लस आई बी वन डिवाइडेड बाई ए टू प्लस आई बी टू, समझ सकते हैं यही डिवीजन होगा। लेकिन इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे हर एक को ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही इसको भी करेंगे। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे होगा, नीचे आई है तो अलग अलग तो कर नहीं सकते इसमें कि आई अलग अलग हो जाएगा, इसे हमें रखना है किस फॉर्म में, सम रियल प्लस आई इंटू सम रियल, ये आई ए प्लस आई बी फॉर्म होता है। तो पहले नीचे को जैसे आप कहते हैं ना कि रैशनलाइज करते हैं, फाइव प्लस रूट टू नीचे है तो फाइव माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे यहां पर हम सोचें कि ए वन प्लस आई बी वन है, डिनोमिनेटर में जो है ए टू प्लस आई बी टू है, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ए टू माइनस आई बी टू बाई यहां भी ए टू माइनस आई बी टू, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नीचे जो है वो फ्री हो जाए किससे, आई से। क्यों नीचे फ्री हो जाए आई से, चूंकि नीचे फ्री हो जाएगा आई से तो फिर कोई लफड़ा नहीं है, जैसे थ्री प्लस फोर आई है और बाई हम कहें सेवन, इसे आप ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखिए, आराम से लिख सकते हैं, इसका ए का वैल्यू थ्री बाई सेवन हो जाएगा, बी का वैल्यू फोर बाई सेवन हो जाएगा। लेकिन यहां अगर आई दे देंगे तो अब तो ए प्लस आई बी फॉर्म में तब तक नहीं लिखाएगा जब तक कि इसको नीचे आई से फ्री नहीं करेंगे। थोड़ा सा लॉजिकल ये समझना कि नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई क्यों किए, जस्ट टू गेट रिड ऑफ आई, आई से निजात पाने के लिए, आई से मुक्ति पाने के लिए। और इस तरह से नीचे तो आप समझ सकते हैं ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला से ए टू स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी टू ए माइनस बी इक्वल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूला से ए टू स्क्वायर माइनस आई बी टू का टोटल का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा ए टू स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी टू स्क्वायर। ऊपर की बात करें, ऊपर मैंने आपको समझाया कि इसको यूजुअल प्लस जैसा समझ के, इसको यूजुअल माइनस जैसा समझ के मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट क्या आएगा देखेंगे, ए वन ए टू और माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू, माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो रियल पार्ट इसका हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, और इमेजिनरी पार्ट की बात करें ये क्या होगा, तो एक बार आई बी वन ए टू प्लस साइन के साथ और फिर माइनस साइन के साथ ए वन बी टू, यानी आई अगर कॉमन लें तो अभी क्या समझे हम, ए टू बी वन प्लस साइन के साथ ए टू बी वन और माइनस ए वन बी टू, यानी ये और ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट में आएगा, साइन क्या है देख रहे हैं, ये प्लस ये माइनस साइन इस तरह से। और इस तरह से जेड वन बाई जेड टू को हम समझिए कि रट्टा तो मारना ही नहीं है, सिंपली इसको प्लस जैसे लिखे हैं उस कन्वेंशन को समझते हुए मानते हुए इसे हम डिवाइड करेंगे, और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, आई स्क्वायर माइनस वन होता है। नीचे अगर आई से फ्री करना है तो नीचे मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को अगर आई से फ्री करना है तो हम उसके उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर हमारा आई से फ्री हो जाएगा जैसे यहां हुआ। तो इस तरह से अब इसे अगर आप ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ऐसे होगा ना, ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। जैसे हमने इस एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया कि प्लस फोर आई में सेवन से सिर्फ अगर डिवाइड करते तो ये आराम से थ्री बाई सेवन रियल पार्ट हो जाता, फोर बाई सेवन इमेजिनरी पार्ट हो जाता। लेकिन अगर थ्री प्लस फोर आई में हमें कहता है वन प्लस रूट थ्री आई, इसका डिवीजन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए प्लस आई बी, तो इस बार समझ सकते हैं वन प्लस रूट थ्री आई ये तो आई से फ्री नहीं है, रियल नहीं है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स है, तो इसे ए प्लस आई बी फॉर्म रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को आई से फ्री करना पड़ेगा, इसके लिए हम 1 माइनस रूट थ्री आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस तरह से ऊपर की बात करें, ऊपर क्या होगा 3 into 1 3, और इसकी बात करें -4√3 I² -1 यानी ये प्लस हो जाएगा 4√3, और I के साथ क्या क्या होगा, तो एक बार 4 into I होगा मतलब 4, और एक बार होगा -3√3, और नीचे क्या होगा तो 1² -√3 I का टोटल का स्क्वायर, तो ये 1 और -√3 I का स्क्वायर माने टोटल I भी स्क्वायर में है, हम इसकी बात कर रहे हैं ऐसे, तो ये 3 I² हुआ, और 3 I² माइनस साइन के साथ होगा मतलब क्या हो जाएगा +3, कितना हो गया 4 ना, तो इस तरह से इसका रियल पार्ट हो गया 3 + 4√3/4, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 4 - 3√3/4, सही है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप समझ सकते हैं, ये प्लस आई भी फॉर्म में अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसी के चलते इसको इस तरह से मानते भी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये प्लस आई भी फॉर्म में, कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे में हमारे दिमाग पर कोई जोर ही नहीं पड़ता है ना, आराम से इसको हम लोग कर लेते हैं, भले वो ए प्लस आई बी में वो जो प्लस है वो यूजुअल प्लस नहीं हो, यानी एडिशन वाला प्लस नहीं हो, फिर भी एडिशन जैसा ट्रीट करने पर इन सारे ऑपरेशंस में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कब डिफाइन होगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, जब Z2 जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर के प्लेस पर जो है वो जीरो नहीं होगा। अब देखिए कुछ सिंपल प्रॉपर्टी जिसका देखें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, है ना। तो जैसे रियल नंबर में आप जानते हैं ना, एडिशन का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, साथ ही एडिशन के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको समझने का प्रयास करें हम लोग, इसका भी प्रॉपर्टीज कुछ जो होता है उसे देखेंगे। देखिए एडिशन के प्रॉपर्टी में देखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में Z2 को हम समअप करें, या Z2 में Z1 को समअप करें, समझ रहे हैं, जोड़ जैसे भी होता है, रियल पार्ट जोड़ता है, मैंने पार्ट जोड़ता है, तो इसका रियल पार्ट जोड़े, या इसका रियल पार्ट जोड़े, इसका मैंने पार्ट जोड़े, या इसका मैंने पार्ट में इसको, एक ही बात है, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, सम रियल नंबर ही है ना, तो रियल नंबर के फैमिली में कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करता है ना, तो यहां भी करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टी हम लिखे हैं ये क्या हो गया, तो एडिशन को हम समझेंगे ये कम्यूटेटिव है ना, यही अगर माइनस ऑपरेशन करेंगे तो क्या कम्यूटेटिव होगा, जाहिर नहीं होगा, जेड वन माइनस जेड टू विल बी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा नहीं होगा, कोई भी जेड वन जेड टू लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी का मतलब कि ये कम्यूटेटिव होने के लिए किसी भी Z1 Z2 से हो सकता है। अब कुछ तो Z1 Z2 ले सकते हैं कि दोनों में सबट्रैक्ट करें तो बराबर ही आएगा। अब Z1 3+4i ले रहे हैं, Z2 भी 3+4i लेंगे, तो आप बताइए कि 3+4i माइनस 3+4i करें, और उधर भी कहेंगे 3+4i माइनस 3+4i, ये सोच सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इन जनरल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पार्टिकुलर केस में हो रहा है कि ये हो जाएगा, है ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होना चाहिए, तो एडिशन में सारे के लिए होगा। देयरफॉर ये एडिशन ऑपरेशन को हम लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो एडिशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि Z1 में Z2 को अगर ऐड कर दें और बाद में Z3 को ऐड करें, या Z1 को यहां रखें और Z2 Z3 पहले ऐड कर लें एंड देन Z1 को इसमें ऐड करें, एक ही बात होगी, तीन रियल पार्ट जुड़ेगा, तीन इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा, तो इसका रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब वो तीन में पहले दोनों को जोड़ के इसको जोड़े, या पहले ये दोनों को जोड़ के इसको जोड़े, समझ सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल नंबर का ऑपरेशन चूंकि एसोसिएटिव होता है, तो एडिशन का ऑपरेशन क्या है, तो एसोसिएटिव भी है, एडिशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। थ्री, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो एग्जिस्ट करेगा, इसको 0+I0 भी कर सकते हैं, आपको बताया था हमने, और ऑर्डर पे 0 0 भी कर सकते हैं, सो दैट Z+0 = 0+Z, और ये जेड होगा, इसको क्या कहेंगे हम, तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए, इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट,
बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं आपके एडिशन के ऑपरेशन में रियल नंबर फैमिली में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, किसी भी ऑपरेशन के लिए किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसे कहेंगे, ये ढूंढने का, ये सर्च करने का हमारा पैमाना क्या है, मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो आप बचपन से पढ़ते रहे जीरो होता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों, बिकॉज कोई भी रियल नंबर लेंगे उसमें हम जीरो को जोड़ेंगे या जीरो में उसको जोड़ेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में, जाहिर है जीरो ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा उस ऑपरेशन के लिए। क्लियर है ना। यही जब गुना की बात करेंगे, गुना का ऑपरेशन करेंगे, तो गुना में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो इस बार हम ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें या इसी में इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रह जाए, कोई चेंज ना हो। जाहिर है गुना में ऐसा नंबर कौन है, वन है। वन को आप जिसके साथ गुना कीजिए या वन में ही उसको गुना कीजिए तो वही रह जाएगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो गया, मल्टीप्लिकेटिव जब देखेंगे तो वो वन होगा। जरा सा ये दोनों ध्यान रखना कि कम्यूटेटिव ही होना चाहिए, कम्यूटेटिव ऑपरेशन ये होना चाहिए। अब जैसे देखिए सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो हमारा दिमाग सोच सकता है कि जीरो को तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव में फाइव ही रह जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ फाइव में जीरो को सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जीरो में भी फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, बॉथ शुड बी सेम, ऐसा अगर हो सकता है तब होगा। लेकिन माइनस में कहाँ से होगा, जीरो माइनस फाइव, फाइव माइनस जीरो सेम कैसे आएगा। तो निगेटिव ऑपरेशन यानी निगेटिव सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल एडिशन की बात करें, एडिशन के लिए करेगा। इस तरह से फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो समझ सकते हैं जेड में अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट इसके निगेटिव को जोड़ दें। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निगेटिव मीन्स क्या, उसमें माइनस वन से गुना करना मीन्स क्या, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो निगेटिव ऑफ जेड का मतलब आप समझ सकते हैं ग्राफिकली, इसकी बात करें आपको मैंने समझाया था कि जेड अगर यहाँ है, मान लीजिए कि जेड ये ऑर्डर पे ए बी है, तो माइनस ए बी कहाँ होगा, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन होगा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ होगा। जितना बड़ा x है उतना ही बड़ा x ये भी है, लेकिन ये a है, ये क्या है, माइनस a है। जितना बड़ा ये b है उतना ही बड़ा b ये भी है, लेकिन ये b है, ये माइनस b है। तो z में अगर माइनस z को जोड़े और फिर इसका रिवर्स कीजिए, कॉम्यूट कीजिए इसको, माइनस z में z को जोड़ेंगे, है ना। तो ये दोनों केस में यहां पर आना चाहिए जीरो। y जीरो चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी इनवर्स अभी हम तलाश कर रहे हैं कि एडिशन ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा। तो इसका आधार, इसका पैमाना क्या है मापने का, कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आई है और इसका एडिटिव इनवर्स हमें ढूंढना है, तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे मान लीजिए जेड कि 3 प्लस 4 आई प्लस जेड करें तो ये वही आया जो जेड में 3 प्लस 4 आई करें, और इच इक्वल्स क्या आए, जीरो। क्यों, चूंकि एडिशन के लिए इनवर्स देख रहे हैं इसका, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर आना चाहिए ये दोनों के इक्वल। आप समझ सकते हैं यहां से यहां तक ये दोनों तो हमारा सेटिस्फाई कर ही रहा है, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्पिटेटिव होता है एडिशन इसका ऑपरेशन, तो दिस इक्वल्स दिस तो होगा ही, और डॉट इक्वल जीरो कब होगा, समझ सकता है जेड का वैल्यू क्या होगा, माइनस थ्री माइनस फोर आई होगा, सो देट की ऐड करेंगे तो थ्री में माइनस थ्री ऐड होगा, जीरो आएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस फोर में फोर जुड़ेगा तो इमेजिनरी पार्ट भी जीरो आएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आई जीरो फॉर्म में हो जाएगा, उसी को हम जीरो कहते हैं। जीरो मीन्स क्या, जीरो प्लस आई जीरो, इसको हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट करता है एडिटिव इनवर्स, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टी एडिशन का। अगर यही बात करें मल्टीप्लिकेशन का, तो समझ सकते हैं सारा ये कॉम्पिटेटिव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्पिटेटिव होता है, जेड वन जेड टू विल बी जेड टू जेड वन, दोबारा लिख रहे हैं कॉम्पिटेटिव देख ही रहे हैं, है ना, या
लिख देते हैं, कम्यूटेटिव हुआ ये, फिर क्या एसोसिएटिव, अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं जेड वन जेड टू को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर जेड थ्री से, या जेड वन को ही पहले छोड़ देते हैं और जेड टू जेड थ्री को पहले करते हैं, ये दोनों सेम आएगा, ये भी ये भी, ये कैसा प्रॉपर्टी कहलाएगा, तो यही एसोसिएटिविटी कहलाता है। इसका मतलब ही कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन एसोसिएटिव है। थ्री, जिस तरह से यहां जीरो की बात किए थे, आप समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात करें, जेड में हम किससे गुना करेंगे, वन से गुना करेंगे, तो जेड इंटू वन इक्वल्स वन इंटू जेड, और ये क्या होगा जेड, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर फैमिली को अक्सर सी से लिखते हैं इसलिए सी लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां भी डाल सकते हैं फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग सी, ठीक है। इसका मतलब वन इज, यहां पे जीरो डाल देते हैं, जीरो इज, हालांकि यहां पर डेफिनेशन आप समझ ही रहे हैं, असल बचपन में ये सब आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट ढंग से आप लोग करते नहीं है ना, तो थोड़ा देख लीजिए यहां पर बढ़िया से, वन इज क्या कहेंगे, वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था, ये मल्टीप्लीकेटिव हो जाएगा, गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिटिव इनवर्स क्या हुआ था, जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड हुआ था, वैसे ही अगर हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स समझना चाहें, समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अगर जेड का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जेड में गुना करें या उसी में जेड को गुना करें तो वहां वन आ जाए, एडिशन में जीरो कह रहे थे क्योंकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, बट मल्टीप्लीकेशन में वन ढूंढेगा ना, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं जेड इंटू वन बाई जेड इक्वल्स वन बाई जेड इंटू जेड इक्वल्स वन, ध्यान रहे फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू सी माइनस जीरो, समझ सकते हैं जीरो अगर यहां पर है, जीरो को आप वन बाय जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल होकर वन आ जाएगा, ये समझना गलत है, जैसे ही वन बाय जीरो आएगा तो वो तो अनडिफाइंड होगा, इट मींस कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कैसा इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसको छोड़ के, जीरो को छोड़कर, जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा, समझ सकते हैं रियल नंबर में भी हम यही करते थे, है ना, कि 5 का इनवर्स क्या होगा तो 1 बाई 5, 3 का इनवर्स क्या होगा तो 1 बाई 3, माइनस 2 का इनवर्स क्या होगा तो 1 बाई माइनस 2, इस तरह से। तो यहां भी उसी तरह से, अब रहा कि 1 बाई जेड कैसे निकलेगा, है ना, तो इसको निकाला जा सकता है ना, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जैसे भी कहते हैं फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कुछ भी ले लेते हैं 3 प्लस 2y, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 1 बाई 3 प्लस 2y, बट ए प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर क्या करेंगे 3 माइनस 2y, यहां भी 3 प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2y से, एक्चुअली 3 माइनस 2y इसी को देखते हुए लिखिए, इसका कंजुगेट लिखे, अभी समझे ए प्लस आई भी फॉर्म में करना है तो डिनोमिनेटर को i से फ्री करना पड़ेगा, और इसके लिए डिनोमिनेटर में जो भी है उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, है ना, और इस तरह से ये 3 माइनस 2y हो गया, और यहां की बात करें तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, मतलब 9 आएगा, और ये माइनस 4i स्क्वायर आएगा, फिर i स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 कर सकते हैं इसको 13 हो गया, और इसे हम कहेंगे 3 बाई 13
प्लस माइनस 2 बाई 13 आई, ये हो गया 3 प्लस 2 आई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1 देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आई थिंक सिंपल सिंपल चीज देखे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन वगैरह फिर अगले क्लास में मॉडुलस देखते हैं, या मॉडुलस तो छोटी सी चीज है, चलिए अगले क्लास में देखते हैं, ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे वीडियो, है ना। तो बाकी अगले क्लास में फिर आगे देखते हैं ऑनवर्ड्स। ओके थैंक्स।